हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा में हुए कलर के एग्जाम को डिस्कस करेंगे और यह एग्जाम हुआ आपका 22 सितंबर को और यह आपका 22 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है। इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपकी श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें आपको जो गलत पद है, जो रॉन्ग पद है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका 47 रॉन्ग है, 47 की जगह पर आना था 46, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 किलोग्राम का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है वह कितना हल्का महसूस करेगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा 80 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शहर होने वाला जिला, तो यह है कुरुक्षेत्र, ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है और डिवाइड का प्लस है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, यानी जो आपका रोंग है वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा गलत आएगा। तीन इक्वेशन ठीक है, पहली इसमें ठीक इक्वेशन है, दूसरी ठीक है, तीसरी इसमें रोंग है, तीसरी में इसमें आपका आंसर आना था 12 की जगह 12 आना था, और डी इसमें ठीक है, तो रॉन्ग इक्वेशन है सी, सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है, यहां हल्फनामे का क्या मतलब है, तो इसमें आपका आंसर आएगा संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड फेज रूल इज एफ, एफ किसके बराबर आएगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा घटा हुआ परावस्था नियम, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है बी ई डी एफ, आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह बतानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा आई एम, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके तीन तीन के सेट बन रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ये वाला और लास्ट का देव बी आपका जो पहले सेट का है, तो आपका यहां पर आएगा जैसे डी ई एफ, और ऐसे ही आपका नेक्स्ट आएगा एच आई जे, एच से पहली वाली, एच के बाद वाली टर्म उससे पहले आएगी और फिर आई के बाद ये जे आएगा, और ऐसे ही आपका आएगा एल, यहाँ पे एम, और इससे आगे कोई टर्म होती तो वो एन आती। तो ये तीन तीन का सेट है और बी पहले वाले सेट का टर्म है, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एट्रीब्यूट दो आसन सेल के बीच दूरी को निर्दिष्ट कर देता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सेल स्पेसिंग, बी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर तिथि, कैलेंडर से जिस प्रकार तिथि मैच करती है वैसे ही शब्दकोश से क्या मैच करेगा, तो वो आएगा शब्द, बी इसमें आपका आंसर आएगा। ये आपका 9th क्वेश्चन था, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष में शुरू किया गया, ये आपका जो है कागज कारखाना आपका मिला था लेकिन वो आपका 1945 का था, तो ये आपका कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका जो ऑफिशियल आंसर की देखनी पड़ेगी उसके हिसाब से आपका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कपड़ा कालीन और कंबल का शहर कौन सा है, वो है पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदित्य रंग कौन से है, तो ये है ओ जी वी, ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट, यानी सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक कैन बी अप्लाई टू रिमूव द नॉइज एंड करेक्ट इनकंसिस्टेंसीज इन डाटा, तो यानी ध्वनि हटाने और आंकड़े के असंगति हटाने के लिए कौन से आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है, यह आपका आएगा डाटा क्लीनिंग, यानी आंकड़े स्वच्छकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, रबी की फसल है जो, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, गेहूं भी रबी की फसल है और चावल ये आपकी जो है खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः तीन मापने की टेप की लंबाई, यानी जो तीन टेप है उनकी लंबाई 65 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है, उस कपड़े की क्या लंबाई क्या है जिसे इन तीनों टेपों से
तीनों मापने की टेप से किसी भी एक का उपयोग करके सटीक संख्या में मापा जा सकता है। तो ये आपका आंसर आएगा 20,995। इसमें आपको एलसीएम निकालना था। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एपी का क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी का 12वां शब्द तीसरे शब्द से 36 अधिक है और 16वां शब्द 64 है, तो पहले शब्द की तुलना में समांतर श्रेणी क्या है? तो पहला शब्द इसमें आपका आंसर आएगा 4। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ये आपका जिस प्रकार से 52 से मैच करता है वैसे ही 1 के रिलेशन में क्या आएगा? तो वो आएगा 4। 17 × 3 + 1, ऐसे ही 1 × 3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह चलाया जाता है नगर पालिका के द्वारा। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो हरियाणा की वाणिज्य फसल है कपास। इसमें आपका जो है एक टेबल मिली थी जिसमें मैक्सिमम मात्रा में, जो आपके ऑप्शन दिए हुए इनमें मैक्सिमम मात्रा में गन्ने की भी जो फसल होती है, तो आपका जो है कपास और गन्ने में से आपका जो है कोई आंसर हो सकता है, और मैक्सिमम चांसेस का आंसर आपका कपास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है? तो सोनीपत या स्वर्णप्रस्थ। तो सोनीपत हरियाणा में स्वर्ण नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के झंडे के तारों का वृत्त निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए आता है? राष्ट्रों के बीच समन्वय और सद्भाव, यानी जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जो कंट्री आती है उनके बीच समन्वय और सद्भाव, ये आपका करेक्ट है। और 12 रिसेम्बल सिंबल्स ऑफ परफेक्शन, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये आपके दोनों करेक्ट है, इसमें आपका सी आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के 95 शोध यानी 95 शोध में क्या शामिल है? तो यह शामिल है रोमन कैथोलिक चर्च में कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करना। बी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि यदि एक वस्तु पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण बलों का योग शून्य है, यानी सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। बी इसमें आपका आंसर आएगा। यदि मद्रास का कोड 56 है तो आपको कलकत्ता का कोड बताना है, तो कलकत्ता का कोड आएगा 81। या कि जो जो सी इसकी प्लेस वैल्यू है, जैसे ए 1 पर है, डी 4 पर है, आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है, तो एम आपका 13 पर होता है, तो इन सभी को जोड़ दिया गया है जो 56 आएगा, ऐसे ही आपको जो सी की वैल्यू जोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट, रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 21 मार्च 1919 में। तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटेमियम के द्वारा प्रयोग करने वाली भाषा कौन सी थी? तो यह भाषा थी सुमेरियन भाषा। ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोस्ट का कूट PQYUR है तो उसी भाषा में स्लोपी का कूट क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा QNMRNA। बी इसमें आपका आंसर आएगा। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बैट, मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को। और वही घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है नेली। तो दोनों आपको आंसर याद रखना है कौन सी नदी के द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास की कार्य सूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल है, यानी कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसमें शामिल किए गए हैं? ये है 17 लक्ष्य। सीमा की किस सीमा सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो यह बहती है पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो यह होता है आपका अप्रैल से जून के महीने में। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 14 दिसंबर 1950 में। आपसे नेक्स्ट एग्जाम में ये डेट भी पूछी जा सकती है। और वहीं इसके हेड कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है फिलिपो गार्डी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, और बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में 5500 रुपये का, जो 5500 रुपये है उस पर 4% सालाना सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज लगता है, और वह हो जाता है 6050 रुपये। तो कितने साल में होगा? ये आपका 2.5 साल में होगा। आपका सिंपल फॉर्मूला PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 30 है। पहले 2 का औसत 22.5 है, अगले 3 का 24 है, छठे विद्यार्थी के अंक 7वें से 3 कम है और 8वें विद्यार्थी से 9 कम है। तो 8वें विद्यार्थी द्वारा अंक कितने प्राप्त किए गए हैं? तो ये किए गए 46 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और मोलिब्डेनियम स्तर पर NH3 का अपघटन किस अभिक्रिया के लिए उदाहरण है? तो यह है शून्य क्रम, यानी जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर है बंगाल टाइगर या बंगाल बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूइंग सेंग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ए इसमें आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट किस नाम से पुकारा गया? तो यह पुकारा गया प्रिंसिपेट। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार कितना है? तो यह है 12। सी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई है? यह पाई गई है भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट एरे हैज इट्स इंडेक्स वैल्यू एज? तो इसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लोगों के सर्वेक्षण में कम से कम 2 पेय कॉफी या चाय में से एक पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं, 10 लोग कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो ये आप वेन डायग्राम से आसानी से कर सकते हैं। तो 10 लोग दोनों कॉमन है जो दोनों पीते हैं, यानी आपके 10 यहाँ पे आएगा, और 20 लोग चाय पीते हैं, तो 20 लोग चाय पीते हैं, यानी 10 तो जो केवल चाय पीते हैं और 10 इनमें शामिल आ गए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो आपके जो है 10 और 10 20, और ये आपका जो है केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या बच गई 30। तो 20 में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज पूरी करनी है, तो सीरीज आएगा 64। ये आपका -1 का क्यूब, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपका 64 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है लद्दाख चुनाव क्षेत्र। नेक्स्ट, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आएगी 1 और 2, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, आपको ये श्रृंखला पूरी करनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन B, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहना परली कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक में। नेक्स्ट, आपकी ये सीरीज दी हुई है, इसमें नेक्स्ट टर्म आएगी 1। नेक्स्ट है, कक्षा सी नेटवर्क IP पतों की श्रेणी, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन D। और आपका जो है ऑप्शन सी है, ये आपके क्लास A की है, क्लास A की, और ऑप्शन A है
ये आपकी क्लास बी की है और ऑप्शन सी की पूछी गई है, क्लास सी की, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है, उसके ऊपर तैरते हुए फुमदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उत्कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से यह कौन सी झील है? तो यह झील है लोकतल झील, और यह किस राज्य में है? यह मणिपुर राज्य में है, मणिपुर राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनेशन का कूट 125 है तो हार्डवर्क का कूट क्या क्या आएगा? तो ये आएगा 98। ये भी आपका सिंपल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5 है, ए की 1 है, एम की 13 है, आई की 9 है, एन की 14 है, ये सभी आपके जो है हर की प्लेस वैल्यू ऐड कर दी गई है। तो ऐसे ही हार्डवर्क की जो, जैसे के 11 पोजिशन पर है, आर 18 पोजिशन पर है, ओ 15 पोजीशन पर है, ये सभी ऐड करके आपका 98 इसमें आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत का सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो यह है हिमाद्री। नेक्स्ट है, AGIO ऐसे ही ई के से क्या संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर आएगा MS। नेक्स्ट है, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 100 kg ब्लॉक 10 मीटर अलोंग ए 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इज, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें 490 जूल। नेक्स्ट है, मोरनी और टिपरा श्रेणियां किस नदी के द्वारा अलग होती है? तो ये होती है घग्गर नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, यह कौन सा है? तो यह है नागानंद। हरियाणा की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिसार को, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? तो यह होता है 6.8 से 9.2, ये आपका 8 से 10 होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का मैशअप है, यानी आपका HCF और एलसीएम दिया हुआ है, तो ये आपका 9 और 360 है, तो आपको एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, या फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो ये आपका, इसको सोल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 72, यानी आपका 9 इंटू में 360 बराबर है 45 गुणा में सेकेंड नंबर, तो 9 5 जो 45 और 5 से इसको काटोगे तो आपका 72 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और इसी के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को ही लीडरलेस मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विवरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है डाटा एब्रिस्ट्रिकेशन, यानी आंकड़ा संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मासिक किस्तों में 975 रुपये का भुगतान करता है, प्रत्येक किस्त पूर्व की तुलना में 5 रुपये कम होगी, यदि पहली किस्त का भुगतान 100 रुपये किया गया है तो पूरी राशि का भुगतान कितने समय में होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 15 महीनों में, डी इसमें आपका आंसर आएगा। ये सिंपल आपका जो है एपी का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक डैश कहलाता है, तो ये आपका आंसर आएगा RISC। RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 आपका क्वेश्चन आ गया, कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो
165 और 225 को विभाजित कर सकती है, तो ये आपका आंसर आएगा 15। जो 165 और 225 को विभाजित करेगी वो इन दोनों से छोटी मिलेगी, तो ये आपका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आदमियों और 6 लड़कों की मजदूरी की कुल राशि 33 रुपये है। यदि 4 आदमी 5 लड़कों से 4.5 रुपये ज्यादा कमाते हैं, तो प्रत्येक आदमी और लड़के की मजदूरी क्या होगी? तो यह होगी 3 रुपये और 1.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनीय समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन है, यह आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसका एक मूल -6 है, तो अन्य 2 मूल क्या आएंगे? तो यह आएगा 1/2, 1/2। एक वस्तु के 5 किलोग्राम को 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदता है, 6 किलोग्राम को 110 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदता है, 9 किलो को 120 रुपये प्रति किलो खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या आएगा? तो ये आएगा 112 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा किस प्रकार की है? तो ये आपका आंसर आएगा चट्टानी प्रकार की है। इसमें आपका जो है चिकनी मिट्टी भी आंसर हो सकता है, ये आपका जो है HSSC की ऑफिशियल आंसर की से बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट है, इसमें आपका आंसर आएगा, रॉन्ग सेंटेंस बताना है, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव ए वोट, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बोथ स्कॉलरली एंड कल्चर्ड, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट है एवरीशियस, तो इसमें आपका आंसर आएगा ग्रीडी, ये इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ही साइंड द लेटर, ये आपकी वर्ब होगी, ये इसमें आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज द डेस्क विच इज इनवेरिएबली रोट एट, तो इसमें आपका आंसर आएगा एट है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है डिमनिश, ये आपका आंसर आएगा एयुगमेंट। नेक्स्ट, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए सेकंड वाला, इसमें एरर है, आई हैव बीन वंडरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के क्वेश्चन है, घी शब्द का प्रयोग, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, तो ये आपका आंसर आएगा पक्षी, पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में, ये आपका क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार स्थित कितने स्वर माने गए हैं? तो ये माने गए हैं 13 स्वर। नेक्स्ट है कहीं ठिकाना न होना, तो ये आपका आंसर आएगा दोनों नाव पर पैर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? तो ये आपका आंसर आएगा काके। नेक्स्ट है, ये आपका कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो ये आपका आंसर आएगा पहले का घ, दूसरे का ग, तीसरे का ख और चौथे का क, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं, तो यह आपका आंसर आएगा वाक्य। और किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो वृद्धि संधि है सदैव शब्द में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और आपके इस पेपर में कितने मार्क्स बने ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू।